हिम्मत रख, भरोसा रख, क्यों है गमों से चूर, बारी आएगी जरूर, हो बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर। आओ, मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी भी किस्मत बदलेगा। पूरी मर्यादा के साथ जाया करो। एक मिनट, मेरे नौजवान हैं, बार बार कहूंगा, एक छिट बहुत छोटी बात, अपने पापा के सामने कैसे बैठते हो? तो पापा के भी पापा हैं वो, अब आज से समझ लेना उसके सामने कैसे बैठना है। ये झंडे हिलाने से और डीजे बजाने से हिंदुत्व का प्रचार नहीं होगा। हिंदुत्व तब मजबूत होगा जब आप अपने धर्म का सम्मान करना सीख जाओगे। हिंदुत्व उस दिन मजबूत होगा जिस दिन आपको अपने धर्म का ज्ञान होगा। जिस दिन कोई आपसे पूछेगा, जिस दिन कोई आपको ताने मारेगा कि ओए तू क्या बात करेगा, कृष्ण की तो 16,000 एक रानियां थी, तो आप भी चुप रह जाते हो कि सही कह रहा है। लेकिन जिस दिन इतिहास मालूम होगा, जिस दिन आप अपने धर्म के बारे में पढ़ोगे, उस दिन आप जवाब दोगे कि हमारे कृष्ण की 16,000 एक रानियां क्यों थी, 16,008 रानियां क्यों थी। राक्षस बकासुर 16,001 कन्याओं को उठाकर अपहरण कर ले गया और उसको अपने रनिवास में रखा। श्री कृष्ण को बात पता चली तो मेरे मुरली वाले ने बकासुर का वध किया और उन 16,001 कन्याओं को छुड़ाया। वो 16,001 कन्याएं कन्हैया से प्रार्थना करने लगी कि मोहन, अब हम अपने परिवार में नहीं जा सकते, हमारा गांव, हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमें इच्छा मृत्यु दे दो। तो कन्हैया ने कहा कि मैंने आपका उद्धार किया है और हम तुम्हें सम्मान के साथ जीना भी सिखाएंगे। तो श्री कृष्ण ने उन 16,001 कन्याओं को अपनी पत्नी माना और अपना नाम दे करके उन्हें दुनिया में अमर कर दिया। दूसरे को धर्म को नीचा नहीं दिखाना है, अपने धर्म के बारे में बताना है, तब हमारा धर्म मजबूत होगा। राम का नाम लोगों को डराने के लिए नहीं है मेरे भाई, राम का नाम तो दुनिया को पार लगाने के लिए लिए जाइए। यह कैसा माहौल हो रहा है कि जिस राम के नाम से पत्थर भी तैरा करते थे, जिस राम के नाम से पशु पक्षियों का उद्धार हुआ करता था, आज उस राम के नाम को सड़क पे लाके हम ठुमके लगाने और डीजे बजाने के काम में लगा रहे हैं। हमारे राम का नाम सड़कों पे डीजे बजाने के लिए नहीं है प्रेमियों, अपनी अपनी सोच है। राम का नाम जब मजबूत होगा, जब बच्चा बच्चा राम का होगा, जब बच्चा बच्चा श्री राम चरित मानस पढ़ेगा,
गोस्वामी जी ने राम कहानी नहीं लिखी बाबूजी, गोस्वामी जी ने श्री राम चरित मानस लिखा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते हैं कि राम का कैलेंडर घर टांग कर चित्र पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के चरित्र के करीब नहीं जाइएगा। राम के चरण पूजने से कुछ नहीं होगा, राम के आचरण को अपने अंदर बसाना पड़ेगा आपको। और जिस दिन राम जैसा आचरण आप करोगे तो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के लोग चाहेंगे हमारे घर भी राम जैसा पुत्र पैदा हो। तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, जब भी दरबार में आया करिए मर्यादा से आइए, पहले आप ठाकुर का सम्मान करिए, फिर दुनिया की औकात नहीं है हमारे ठाकुर का अपमान करके चला जाए। हिम्मत रख भरोसा रख, क्यों है गमों से चूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर। हिम्मत रख भरोसा रख, आओ जिन्हें हिम्मत है भरोसा है उनके दिन बदलेंगे। मेरा बाप हिम्मत रख भरोसा रख, क्यों है गमों से चूर, बारी आएगी जरूर, ओ बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, ओ बारी आएगी जरूर, 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 बारी आएगी जरूर। हिम्मत रख भरोसा रख, हिम्मत रख भरोसा रख, ये हाथ ऊपर करना जिन्हें भरोसा है बाबा पे। लाखों करोड़ों दर पे है मांगने वाले, तू भी दर पे आके किस्मत अजमा ले, तू भी दर पे आके किस्मत अजमा ले। शीश कदानी हर पल तेरे कष्ट हरेगा, शीश कदानी हर पल तेरे कष्ट हरेगा, संकट तेरे टालेगा ना देर करेगा, संकट तेरे टालेगा ना देर करेगा। मेरा बाबा एक साथ चिट्ठियां डाल देता है। आज मैं इंदौर से बैठा, मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, पूरी अंग्रेजी स्टाइल में हैट लगाए, मैंने पूछा कहां जा रहे, बोले रिंगस। मैंने कहा रिंगस, बोले हाँ वहां से खाटू जाना है। मैंने भाई पहली बार, बोले हाँ पहली बार जा रहा हूं। बोले इस लॉकडाउन में मैंने लोगों से चर्चा सुनी और मुझे लगा बाबा बुला रहा है, मैं जानता भी नहीं था लेकिन चर्चा सुनी, पहली बार जा रहा हूं। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये मत सोचना पिकनिक मनाने जाना है दोस्त,
रोशनों के साथ। ये मत सोचना कि घूमने जाना है, ये सोचना बुलावा आया है। किसी नजर को मेरा इंतजार आज भी है, ओ किसी नजर को मेरा इंतजार आज भी है। वफा की राह में घायल ये प्यार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। लाखों करोड़ों दर पे है मांगने वाले, लाखों करोड़ों दर पे है मांगने वाले। तू भी दर पे आके किस्मत अजमा ले, तू भी दर पे आके किस्मत अजमा ले। शीश कदानी हर पल तेरे कष्ट हरेगा, शीश कदानी हर पल तेरे कष्ट हरेगा। संकट तेरे टालेगा ना देर करेगा, ओ संकट तेरे टालेगा ना देर करेगा। सुनना कर देगा वरदानी, कर देगा वरदानी खुशियों से भरपूर। एक दूसरे से कहना बारी आएगी जरूर, ओ बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर। ए हिम्मत रख भरोसा रख, हिम्मत रख भरोसा रख। एक बार भरोसे वाली ताली, पूरे पूरे भरोसे वाली, ये जीवन बदलने वाली ताली है आपकी। सबकी सुनवाई शाम के दर पे होती, सबकी सुनवाई। तालियां बजाओ ना जिन्हें भरोसा है। शाम के दर पे होती सबकी सुनवाई, शाम के दर पे होती सबकी सुनवाई। नहीं किसी की अर्जी प्रभु ने लौटाई, नहीं किसी की अर्जी प्रभु ने लौटाई। इनके आगे समय का चलता फेर नहीं है, इनके आगे समय का चलता फेर नहीं है। कोई कह दे तुम्हारा वक्त खराब है, कहना नहीं बाबा मेरे साथ है। इनके आगे समय का चलता फेर नहीं है, इनके आगे समय का चलता फेर नहीं है। देर भले हो जाए पर अंधेर नहीं है, देर भले हो जाए पर अंधेर नहीं है। देर भले हो जाए पर अंधेर नहीं है, देर भले हो जाए पर अंधेर नहीं है। सुनने को तेरी अर्जी, सुनने को तेरी अर्जी, सुनने को तेरी अर्जी, सुनने को तेरी अर्जी। हो जाएगा मजबूर, ऐसी अर्जी लगाओ मजबूर हो जाए। सुनने को मेरी अर्जी, सुनने को मेरी अर्जी, हो जाएगा मजबूर। बारी आएगी जरूर, ओ बारी आएगी जरूर, 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 बारी आएगी जरूर। हिम्मत रख भरोसा रख, एक बार हाथ ऊपर करके एक दो तीन चार।
बात मेरी और मानना। मेरे बाबा के दरबार जब जाना हमेशा मांगने मत जाना, कभी कभी थैंक यू बोलने चले जाना और कहना कि बाबा अगर आपको लगे वो आपको देख रहा है पूछ रहा है तो कह देना जग में हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है, जग में हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। अरे कौन है ऐसा जग में जो दुखी नहीं है, कौन है ऐसा जग में जो दुखी नहीं है। कह दो दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। जिस बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया हो, पढ़ा लिखा दिया हो, औलाद जब उससे मिलने जाए तो रोती हुई जाए, तो वो बाप भी कहता नालायक है, जब मिलता है रोता हुआ मिलता है। किसको किसको अपने रोते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं बताओ? आपको अपने रोते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं? अच्छा किसको किसको अपने हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं? आहा, तो उस बाप को भी हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। जग में हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है, जग में हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। कौन है ऐसा जग में जो दुखी नहीं है, कौन है ऐसा जग में जो दुखी नहीं है। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। गाइए दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। उठा मुस्कुराते हुए दोनों हाथ और कह दो जग में हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है, जग में हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। कौन है ऐसा जग में जो दुखी नहीं है, कौन है ऐसा जग में जो दुखी नहीं है। सुख और दुख के चारों ओर लगे हैं मेले, सुख और दुख के चारों ओर लगे हैं मेले। इसके चक्कर में तो हम नहीं अकेले, इसके चक्कर में तो हम नहीं अकेले। धूप और छांव होंगे सदा, धूप और छांव होंगे सदा। ये जग का दस्तूर, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो हमें क्या सोचना है। बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर, बारी आएगी जरूर। हिम्मत रख, भरोसा रख, क्यों है गमों से चूर। बारी जरूर, बारी आएगी जरूर। पर जब बारी आए तो ये आखिरी रचना समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि वक्त है ट्रेन का, मजबूरी है मेरी। फिर कभी मौका मिलेगा मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आदत है, आशीष जानता है, कि मैं जब गाता हूं अगर सुनने वाले 50 भी हों, मन से सुन रहे हों तो मन करता गाए जाओ। मैं कभी घड़ी नहीं देखता, लेकिन समय का है, 3:30 बजे ट्रेन है म्यूजिशियंस की। आओ, जिद है कन्हैया, फरमाइशें पूरी कर रहा हूं बड़े प्रेम से।
वो गीत है, भजन नहीं है, वो फागण में गाता हूं। और मेरी, मैंने तो मजाक मजाक में लिख दिया था, मेरी पहचान उन गीतों से नहीं है, ये बुलेट और फरारी मैं होली के लिए खाली रख रखता हूं, होली में गा लिया करता हूं कभी कभी। आओ एक किसान, दो बेटियां, आसपास के गांव में दोनों बेटियों का विवाह हो गया। एक दिन किसान ने सोचा, काफी दिन हो गए बच्चियों से मिले।